नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली LLNTop.com। LLNTop चुनाव यात्रा की टीम हीरा फिलहाल कोटा में है। राजस्थान का एक डिवीजन, एक जिला और एक सांसद सीट, और फिलहाल राजस्थान कैबिनेट में जो मंत्री हैं ओम धारीवाल, उनका शहर। फिलहाल सिटिंग एमपी, जैसे कि पिछली बार क्लीन स्वीप था बीजेपी का, यहाँ से ओम बिड़ला है। बीजेपी से हैं कैंडिडेट, उन्होंने रिपीट किया है इस बार, और कांग्रेस से इस बार कैंडिडेट हैं रामनारायण मीणा। ये भी पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे, तो पिछली बार वाले कॉन्टेस्ट दोबारा होने वाला है, लेकिन क्या रिजल्ट पिछली बार से अलग होने वाला है, ये जानने के लिए हम लोग एक पार्क में आए। सर, इस पार्क का नाम और आपका नाम जानना चाहता हूँ पहले। ये छत्रविलास पार्क है। अच्छा, और मेरा किस इलाके में है कोटा के? हम ये नयापुरा। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है। ओके, तो कैसा रहा बिजनेस में माहौल कोटा में अभी इन पिछले 5 सालों में? सब कितना मजा आया, कितना माहौल तो बहुत अच्छा था, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के बाद में सारे व्यापारी एक तरीके से कंफ्यूज हो गए कि उनको करना क्या है। जीएसटी में तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बार बार इतने एडिशन्स हो रहे थे, हर दिन जीएसटी के चेंज हो रहे थे, कभी 18%, कभी 24%, कभी 9%, तो व्यापारी उलझ के रह गया उन चीज़ों में। किस चीज़ का बिजनेस है सर अपना? मेरा फर्नीचर का है, अप्लायंसेस का है। ओके, तो ये दो चीज़ें हुई जो आपको ये, लेकिन ऐसे हैं नेशनल लेवल की मुद्दे, नेशनल लेवल की ही प्रॉब्लम है। और आज के टाइम में पूरा 5 साल में अगर आप देखा हो तो व्यापारियों का ही मरण हुआ है सबसे ज़्यादा। अच्छा। लाइन में भी लग रहा है तो व्यापारी लग रहा है, नोटबंदी के बाद बैंकों की लाइनों में भी लग रहा है तो व्यापारी लग रहा है, तो व्यापार जगत के लिए तो एक तरीके से ये पूरे 5 साल गर्त में गए हैं। अच्छा, और क्योंकि इलेक्शन नेशनल लेवल के हैं लेकिन होने कोटा में है ना, आप लोगों को एक सांसद चुनना है, कोटा के स्पेसिफिक मुद्दे क्या रहे हैं आपके शहर में, किस चीज़ की गुंजाइश रही जो आपको ऐसा लगता है कि 5 साल में नहीं हो पाई? कोटा का सबसे बड़ा मुद्दा था एयरपोर्ट का। अच्छा, क्योंकि कोटा फ्रॉम दी स्टेट टाइम एक सेंटर हब बना हुआ है, कनेक्टिविटी कोटा की रेलवे लाइन से सबसे बढ़िया है, और आज के टाइम में एजुकेशन हब माना जाता है। कोटा स्टोन का व्यापार यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे जो मौजूदा सांसद हैं यहाँ पे, जो मौजूदा सांसद थे, उन्होंने वादा करा था कि मैं अगर एयरपोर्ट नहीं ला पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आज एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। क्योंकि कब का वादा था सर ये? ओम माननीय श्री हमारे जो मौजूदा सांसद हैं ओम बिड़ला जी, उन्होंने ही थ्रू वादा करा गया था। नहीं मतलब ये 14 के बाद की बात? हाँ बिल्कुल, 14 के बाद की बात है, लेकिन आज वो वापस से चुनाव लड़ रहे हैं। एयरपोर्ट यहाँ पे आया नहीं है, कोटा की जनता की सबसे प्रमुख डिमांड है तो सही, लेकिन फ्लाइट शायद नहीं है, फ्लाइट भी नहीं है, एयरपोर्ट है लेकिन वो स्टेट टाइम का बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो बिजनेस वालों को इससे तकलीफ होती है। वो तकलीफ होती है बिजनेस वालों को नहीं, पूरे कोटा शहर की आवाम को तकलीफ होती है इससे। और बाकी एक एयरपोर्ट का बड़ा मुद्दा हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा एयरपोर्ट का था यहाँ पे। अच्छा, और बाकी बिजली पानी सड़क रोटी कपड़ा मकान टाइप? एक बिजली का हमारे यहाँ पे KDL ला दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया पूरा यहाँ पे, और जो KDL कंपनी आई है वो अपने हिसाब से मन मोजा जो उनकी इच्छा हो रही है वो उस तरीके से रेटें लगा रही है, आम जनता को लूट रही है। उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी एजिटेशन करे, सारे व्यापारी सड़क पे थे, सब लोगों ने करे, लेकिन आज भी वो यहीं पर है, वो भी इन्हीं की देन है KDL की। अच्छा, ये दो बड़े चीज़। अच्छा, मैं एक चीज़ जाना चाह रहा था यहाँ पे, एक मुझे जब ये लाइव शुरू नहीं हुआ था मुझे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताई गई थी कि यहाँ बंटवारा है स्टेडियम का और पार्क का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बंटवारा नहीं, मतलब जिस तरह नहीं है, लेकिन हाँ कहा जा सकता है कि वहाँ पे तो सांसद साहब घूमते हैं और यहाँ पे शांति धारीवाल साहब हमारे जो यहाँ पे मंत्री हैं वो घूमते हैं, लेकिन बंटवारा किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है ये तो, लेकिन उनके साथ में उनका क्राउड चलता है। एक मजाकिया बात है, तो मैं मजाक ही पूछ रहा था भाई, जाते हैं तो लोग मजाक ही बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मजाक, तो मतलब मैं कैसे कहते हैं ऐसे, तो मैं कैसे पार्क में आ गया हूँ जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले धारीवाल साहब घूम रहे थे, है ना, तो इसलिए वो थोड़ी सी हवा है। एनीवेज, और लोगों से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप उधर भी आते हैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है डॉक्टर सुधीर गुप्ता। अच्छा, और आप भी कोटा के शहरी हैं? कोटा के। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है सर पिछले 5 सालों में, और क्या आपको इश्यूज लगते हैं इस बार लोकल आपके शहर के? पिछले 5 सालों में तो कोटा में जो हम लोग या मेरी जहाँ तक विजन है, जो कुछ भी उम्मीद करते थे उसमें ज़्यादातर चीज़ें हुई। जैसे कोटा के अंदर एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि भाई कोचिंग पे डिपेंडेंट यहाँ की इकोनॉमी थी, और कोई एक अल्टरनेटिव उम्मीद सबके दिमाग में थी, और ऐसे में हम सोच रहे थे कि जहाँ पर अगर टाइगर आ जाता है और टाइगर रिजर्व में टूरिज्म शुरू हो जाता है तो वो कोटा के लिए सबसे बड़ा। और क्या नाम है सर करीब के टाइगर रिजर्व का? मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व। अच्छा, और ये अभी हाल के दिनों में हुआ? ये अभी टाइगर यहाँ आया है, 1913 के अंदर इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, लेकिन ये टाइगर लेस टाइगर रिजर्व था, कोई शेर नहीं था। अच्छा, एक चीज़ हुई कि नेशनल पार्क में थोड़े से टूरिस्ट आने लगे, इसके अलावा कोटा
शहर को हम ऐसे देखते हैं कि एक पुराना इंडस्ट्रियल सिटी है जिसके अंदर कोटा का काम होता था, मसलिन का यहाँ पे काम था, और फिर उसके बाद में कोचिंग यहाँ शुरू हुई, उससे इकोनॉमी तो स्ट्रांग हुई, लेकिन कोटा के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर 1.25 लाख लोगों का एक्स्ट्रा भार हुआ। तो ऐसे में हमें लगता था कि भाई आप यहाँ पर इतना सारा सीवेज, इतनी सारी एयर, ये सब स्टूडेंट्स सब यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं यहाँ का, तो ऐसे में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बढ़ाया जाए। और ऐसे में हमारे शहर में हमने एक बात उठाई कि यहाँ एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में फिर कोई नई कॉलोनी या मॉल बनाने के बजाय उसको पार्क या जंगल ही रहने दिया जाए, और वो सारी चीज़ें भी शहर की ताकत की वजह से हमने हासिल कर पाए। अच्छा। तो वो IEL का जो कैंपस था अब वहाँ पर एक जंगल ही रहेगा, और हमारे दिमाग में बहुत सारी और उम्मीदें हैं उसको लेकर के, वो सारी भी पूरी होती नजर आ रही हैं। मुझे अच्छा लगा, मैं अब जहाँ जब से घूम रहा हूँ मुझे पहली बार किसी ने पर्यावरण की बात की है हमारे किसी भी लाइव में। ठीक है, शुक्रिया सर। और लोगों से बात करते हैं, उधर भी जाते हैं एक। अच्छा, आप सर छूट गए थे, नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? वृद्धिलाल गोस्वामी। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? आर्य समाज का पंडित। अच्छा, 5 साल कैसे रहे हैं सर पिछले? बिरला साहब ने कैसा काम कराया यहाँ पे? बिरला साहब ने तो कुछ कराया या नहीं कराया, लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं लक्ष्मण विहार कुनाड़ी में, वहाँ अभी भी सड़कें ऐसे 6 महीने से खोद के डाल रखी है, जहाँ आपका लाइन वाइन डल रही है उसमें नीचे, सीवेज लाइन टाइप वाइन सब डल गई। अच्छा। वैसे ही खोद के डाल रखी है और ऐसे रह रहे हैं कि जैसे गांव की भी दुर्दशा ना हो। अच्छा। बहुत प्रैक्टिकल है ये, वहाँ न सांसद से मतलब, न किसी से मतलब, सारा प्रशासन कोटा में, संभाग स्तर की दुर्दशा है ये, बहुत प्रैक्टिकल। और किसी को देखना हो तो जाके देखो, मेन रोड पर जो है लाइनें खुद ही पड़ी। तो ये इस बारे में आप लोगों ने कभी ऐसा कोई आवेदन वगैरह दिया? सब आवेदन दे दिया, उस समय भी जब विधानसभा के चुनाव थे, ये कह दिया वोट जब देंगे, जब आप ये सब काम करोगे, तब भी नहीं हुआ, अभी भी वैसी की ऐसी स्थिति। विधानसभा में यहाँ पे 3-3 से छूटा था मेरे ख्याल, है ना? 3 सीटें BJP की रही थी, 3 सीटें कांग्रेस की रही थी, ये बात है। तो हम तो ये चाहते हैं कि विकास हो स्थायी, न BJP से मतलब, न कांग्रेस से मतलब, देश के विकास से मतलब, स्थायी विकास हो, ये बात। तो और अस्थाई विकास के लिए आपको कौन ठीक लगता है, किसका काम ठीक लगता है? कोई भी आदमी जो भी अच्छा काम करेगा वो ठीक लगता है। और धारीवाल जी से कह रहा हूँ, आपके बिरला साहब का काम कैसा रहा 5 सालों? अब बिरला साहब का काम तो क्या, हम तो वही कचरे में पड़े हैं वहाँ पर। अच्छा। और यहाँ आपके शहर से एक मिनिस्टर भी हैं धारीवाल साहब, है ना, उन तक कभी आपने बात पहुँचाई कि भाई ये तकलीफ है, अब आपकी सरकार है, आप थोड़ा हमारा काम करवा दीजिए, डामर बिछवा दीजिए? उनको कल ही पहुँचा देता हूँ। ठीक है ना, कल ही उनसे बात करता हूँ, यहीं करता हूँ बाग में। अच्छा, सुबह टहलते हुए? हाँ, डेली यहाँ योग क्लास लगती है, लगाता हूँ। अच्छा, आप योग सिखाते हैं? यहीं सिखाते हैं। ठीक है, और आप क्या करते हैं सर? इस चुनाव में जनता से जो जुड़े हुए, नाम नहीं बताया आपने, पंकज लोढ़ा जी, क्या करते हैं आप? व्यापारी हूँ मैं, बिल्डिंग मटेरियल का। जी जी। इस चुनाव में जो देखा जा रहा है कि जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सब गायब हो चुके हैं। जैसे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, ये मुद्दे इस चुनाव में कहीं नजर ही नहीं आ रहे, जो मूलभूत सुविधा है। तो इनकी कमी आपको लगती है कि कोटा में है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कोचिंग सिटी है हमारी कोटा, यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुख्य जरूरत है आज हवाई सेवाओं की जरूरत है, उद्योगों की जरूरत है, वो दोनों ही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ कितने लोग जितने जमा हैं, मुझे उनसे पूछा कितने लोगों ने घर किराए पे उठाए हुए हैं, जो बच्चे रुकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनको? वो तो है ऐसा, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ किराया बहुत लेते हैं भाई। खैर, पूछते रहेंगे उस बारे में भी। और कोई इशू, ये जो 3-4 चीज़ें आपने किराए उनके अलावा सर? बस यही मुख्य समस्या है जनता की। तो जनता को रोजगार चाहिए, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें समय पर मिलती रहे, उसको ये मिल नहीं पा रही। अच्छा, और अच्छा, नमस्ते मैडम, आपका नाम क्या है? अलका मेवाड़ा। अच्छा, अलका जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है 5 साल में जो से यहाँ पे सत्ता रही है सेंटर में, और आपके सांसद का उनके साथ? सेंट्रल का काम तो मोदी जी का बहुत अच्छा है, और इसीलिए इस बार वो जो है पूरे बहुमत से जो है वापस आने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो भी, वो एक चौकीदारी होकर उन्होंने देश की पूरी सुरक्षा का काम किया है, काफ़ी अच्छा रहा है। और कोटा में भी जो है, जहाँ तक सांसद जी का कार्यकाल है, तो काम तो हुए हैं, मगर नगर निगम जो है वो पूरी तरह से जो है प्रभावित नहीं कर सका लोगों को। तो निगम भी तो BJP के पास ही है यहाँ पे? BJP का है, मगर निगम की तरफ से समस्या रही ही है, और बाकी का जो है कार्यकाल जो है सही है। ब्रिज वगैरह का काम, हैंगिंग ब्रिज का काम हुआ है, तो वो भी अपने आप में एक सराहनीय काम है।
कहीं पुल वगैरह भी हुए हैं। रुकिए सर, मेरे को आपसे बात भी करनी थी। चना भी अभियान चला था तो वो भी सही रहा, पर इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, नगर निगम का भी पूरा, उसमें मैं नहीं दोष दे सकती हूँ, क्योंकि जनता को भी आगे रह के जो है सहयोग प्रदान करना चाहिए स्वच्छता के कार्यक्रम में। अगर आगे और भी किसी सरकार की मान लो नगर निगम आती भी है, और जब तक जनता अपनी तरफ से पूरा सहयोग नहीं करेगी तो ये स्वच्छता का अभियान सफल नहीं होगा। पब्लिक की तरफ से गुंजाइश रहती है। अच्छा, मुझे अभी अभी यहाँ पे किशमिश और चने दिए गए हैं भुने। नमस्ते सर, क्या नाम है सर अपना? परसराम जामना। अच्छा, आपने जो चने और किशमिश मुझे दिए, ये आप रोज करते हैं ऐसा? अच्छा, और मतलब इसकी कोई खास वजह? कुछ दिल को खुशी मिलती है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर मुझे ये सुन के कि आपके दिल को खुशी मिलती है, आप इसलिए करते हैं। और इसका कोई ये कि चना और किशमिश ही क्यों? चने के साथ किशमिश स्वाद में अच्छा लगती है और हार्ट के लिए अच्छी है, शुगर के लिए अच्छी है। अच्छा, और आप क्या करते हैं सर? सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा, आपकी फिटनेस कमाल की है सर। आपकी उम्र पूछ सकता हूँ मैं? 69। तो आपकी सेहत बहुत बढ़िया है, शहर की सेहत कैसी रही है सर पिछले 5 सालों में? देखो साहब, शहर की सेहत तो पिछले 5 सालों में नहीं, पिछले 20 सालों से ख़राब चल रही है, क्यों? जब से एयरपोर्ट बंद हुआ है ना, तब से इंडस्ट्री। अच्छा, पहले चलता था? हाँ, पहले एयरपोर्ट चलता था तो इंडस्ट्री भी यहाँ इतनी बढ़िया चलती थी कि ये कानपुर कहलाता था राजस्थान का। ओके। इंडस्ट्रीज़ के मामले में अब डे बाई डे क्या हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई एयरपोर्ट पर, क्योंकि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ट्रेन में सफ़र करे या बस में सफ़र करे या बाय कार सफ़र करे, वो तो बाय एयर आना चाहता है। जैसे अमेरिका से आना है, वहाँ से बॉम्बे उतरता है, बॉम्बे से यहाँ फ्लाइट में पकड़ना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनना चाहिए, और उसके लिए सरकार को कुछ भी नहीं करना है, सरकार को कोई 1 रुपया नहीं लगाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए, 1 रुपया नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास शहर के बीच में इतनी बड़ी ज़मीन है, उसको बेच करके इतना पैसा आएगा कि इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट भी बन जाएगा, पैसा और बचेगा। अच्छा, अभी यहाँ पे मतलब केंद्र सरकार ने जहाँ पे कम ट्रैफिक है वहाँ उन इलाकों के लिए भी डेडिकेटेड फ्लाइट सर्विस शुरू किए, छोटे जेट्स वहाँ पे चलते हैं, वैसी एक भी फ़्लाइट नहीं आई है कि आपके शहर में? हमारे शहर उड़ान सेवा है। हमारे शहर में ऑलरेडी एयरपोर्ट है, सिटी के अंदर है, लेकिन टेक्निकल कारण से क्या शहर चारों तरफ बस गया है, इस वजह से कोई फ्लाइट यहाँ उतरती नहीं है। अच्छा, कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। बीच बीच में इन्होंने चलाने की बहुत कोशिशें करी, 15 दिन चला, 20 दिन चला, फिर बंद कर दिया। और फिर दूसरा क्या है, 16 सीटर में लोग जान का जोखिम नहीं लेना चाहते, वो एयर बस में बैठना पसंद करते हैं, जबकि यहाँ ट्रैफिक भी खूब मिलेगा एयर को। वजह क्या है कि यहाँ कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चे बाहर के पढ़ने आते हैं, और ट्रैफिक की कोई कमी नहीं, और जैसे ही एयरपोर्ट बनेगा ना, वैसे इंडस्ट्रियों की भरमार हो जाएगी। कारण क्या, यहाँ सारे तो पावर प्रोजेक्ट हैं, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ, थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे, और हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे, और सारे तरह के तो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। प्लस मेन रेलवे लाइन यहाँ से निकलती है, कोटा से निकलती है, प्लस इतनी बड़ी ज़मीन है और इतनी पक्की ज़मीन है कि इंडस्ट्री को फाउंडेशन डालने की भी बहुत गहराई तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 फुट भी तो पत्थर है। अच्छा, तो फाउंडेशन भी उसको कम, फाउंडेशन में काम चल जाता है। सर, गुंजाइश फिर कहाँ रह जा रही है सर, सब इतना बड़ी है। एक एयरपोर्ट की वजह से कोई मल्टीनेशनल आना नहीं चाहता। ये काम मतलब आप लोगों ने कभी ऐसे इन लोगों के सर पर चढ़ के कराया नहीं कि नेताजी आप तो जीत गए, फ्लाइट भी चलवा दो? देखो साहब, ऐसा है कि जीतने के बाद कोई नहीं पूछता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है किसी पार्टी का हो। कारण क्या है कि देखो, सेंटर में बीजेपी सरकार रही और स्टेट में बीजेपी सरकार रही तो कुछ नहीं हुआ, सेंटर में कांग्रेस की सरकार रही या स्टेट में कांग्रेस की सरकार रही तो कुछ नहीं हुआ। ये तो कुल मिलाकर के जब तक आज के मंत्री हैं ना, उनका शहर के प्रति वो नहीं रुझान नहीं होवे, तब तक नहीं हो सकता। पब्लिक तो कहाँ तक लड़ेगी, पब्लिक की सुनता कौन है, कोई नहीं सुनता। वोट के टाइम पर जरूर उसके पाँव छूने आ जाते हैं, घर पर आ जाएंगे, लो जा मारो, ख्याल रखना जो साहब, उसके बाद कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता है। तो आप बाकी चीज़ों की तरफ इनकर, एक भाई साहब पीछे खड़े, आप बहुत ध्यान से इनकी बात सुन रहे थे सर, आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद आकिल। हाँ जी, मोहम्मद आकिल। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? शॉप है। अच्छा, और सुबह यहाँ टहलने भी आते हैं रोज़? ठीक है, 5 साल में कैसा अनुभव रहा है आपका? किस बारे में? आपके सांसद के साथ में आपके शहर में कैसा काम हुआ है, खुश है नहीं है आप? शहर में काम वाम तो जैसे होते आए, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो कुछ भी हो। अच्छा, जैसा था काम है बस वही हुआ। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। सबसे कोटा की बदनसीबी तो ये है
यहाँ के देखिए कोई भी नेता यहाँ के बारे में कोटा के बारे में नहीं सोचता। अच्छा। ना तो यहाँ कारोबार लेके आता है कुछ, कोई भी एक पैसे का भी कारोबार ऐसा नहीं है जो यहाँ आया हो नया। 2014 के बाद खुशहाली आया, चाहे किसी की भी पार्टी हो, कोई सी पार्टी की सरकार हो। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए। मेरा नाम चंदन है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है मेरे। ओम बिरला जी ने काम बहुत सारे किए, एक तो हैंगिंग ब्रिज बनाया है और सुपर स्पेशली हॉस्पिटल भी बनवाया है, बस एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए वो, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से या अपने राज्य सरकार की तरफ से उतना काम नहीं हुआ है। सीएम तो आपके अभी बदले हैं दिसंबर में, लेकिन पहले तो आपके ही सीएम थे। कुछ तकनीकी खराबी के चक्कर में, कुछ ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये हो नहीं पाया, किंतु अभी अगर ओम बिरला को फिर से जिताया जाए तो ये चीज़ संभव है। लेकिन फिर जैसे अगर आप ये कह रहे हैं कि सीएम के वैसे होने की वजह से, दूसरी पार्टी की होने की वजह से काम नहीं हो रहा, तो सीएम तो अभी 4 साल और रहेंगे गहलोत साहब, अगर सब कुछ ठीक रहता है। गहलोत जी तो अच्छा काम करते हैं और मोदी सबसे बेहतरीन है अपने केंद्र लेवल में, उन्होंने अपने देश का नाम हर दिशा में ऊंचा किया है, विदेशों में उनका नाम। तो आपको यहाँ गहलोत सही लगते हैं, वहाँ मोदी सही लगते हैं? यहाँ धारीवाल जी अच्छा काम करते हैं अपने यहाँ कोटा में, और मोदी अपने केंद्र लेवल में अच्छा काम करते हैं। आ रहे हैं सर, आपके पास भी आते हैं, भीड़ को चीरते हुए आप आ गए हैं। आपका नाम क्या है सर? नंद कुमार मेहता। क्या करते हैं सर आप? कॉन्ट्रेक्टर हूँ। आप इंडस्ट्री में? अच्छा, बहुत सारे काम है मतलब आपके? दो तीन काम है। कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह के लेते हैं सर आप? सिविल के। अच्छा, और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं या फिर? अच्छा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। तो 5 साल में आपका कैसा अनुभव रहा है, जो पॉलिसीज रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सरकार की, रेरा वगैरह आ गया? हाँ, 5 साल में इन्होंने पहला काम किया नोटबंदी, इन्होंने अपने नोट बदले हैं बस सिर्फ, और इसमें 5 फायदे गिनाए थे इन्होंने, एक भी फायदा पूर्ण नहीं हुआ। कौन कौन से सर फायदे सर उस टाइम के जो याद आते? 5 फायदे गिनाए थे इन्होंने नोटबंदी के, एक भी नहीं हुआ, काला धन वापस आएगा नहीं आया, सारे पैसे जमा हो गए। इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं आतंकवादी गतिविधियों में विराम लगेगा, आतंकवादी गतिविधियाँ दुगनी हुई। इन्होंने कहा कि वो कालाबाजारी कम होगी तो वो हुई, अब दवा वाला के और सारे कारोबार हुए, कुल मिला गए इनके फायदे के अलावा इन्होंने अपना धन काला वो एक नंबर में गिराया, बहुत बड़ा इन्होंने षड्यंत्र रच के। अच्छा, और बताओ। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम आपको हुई है, ठीक है। बाकी ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने बहुत जगह पे सुनी हुई है, आप क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी का नहीं करते, इन्फ्रा में आप काम करते हैं, ठीक है, उसको लेके जो नीतिगत निर्णय, जो नए नियम आए हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं सवाल कर रहा हूँ। उनमें GST में सारा बर्बाद है, आज की तारीख में हिंदुस्तान का सारा व्यापारी सारा दबा हुआ है, आप उनकी नबज पकड़ के देखो आप, हर चीज में मार रखा हो GST में 28% GST। एक तरफ तो गिरी गवर्नमेंट, 1 टैक्स 1 रेक, और दूसरी तरफ पुराने टैक्स भी चालू है, सर्विस टैक्स चालू है, इनकम टैक्स चालू है, और ये GST 28% तक कर दी। एक चीज मुझे वैसे पूछनी थी, अब बहुत लोग पूछते हैं, जो लोग बिजनेस में, उनकी एक शिकायत है जरूर कि उनको GST नोटबंदी से उनको जो भी प्रॉब्लम हुई हो, पब्लिक ये भी पूछती है कि भाई बिल तो आप कच्चा दे रहे थे, आप पक्का दे दो आप GST लगा के। पक्का तो बिल देने में कौन मना कर रहा है, आज भी वो रेट तो उतनी ली जाती है, आज कोई भी किसी भी चीज की रेट कोई कम थोड़ी हो गई या GST लगने से, वो मतलब रेट तो ग्राहक से उतनी ली जा रही है और ग्राहक को बिल भी दिया जा रहा है, और बिल ग्राहक पहले नहीं लेता तो फाड़ देता था व्यापारी की बिल। तो पहले कह रहे हैं कि लोग बिल नहीं लेते थे। एनीवेज, ठीक है, और कोई साहब जो आपके शहर के बारे में एक कोई स्पेसिफिक? हाँ जी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर शहर के बारे में। हाँ बताओ, क्या आप बताइए सर, मैं तो पहली बार आया। शहर के बारे में ये बताऊँ, 5 साल पहले जो सांसद अभी चुनाव लड़ रहे हैं ना, इन्होंने ये कहा था बिरला जी ने कि अगर हवाई अड्डा में नीला पाया तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, तो अब क्यों लड़ रहे हैं 5 साल तक? 5 लाख तो बाहर के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, और 20 लाख यहाँ की आबादी है, 25 लाख यहाँ आदमी रहते हैं, और यहाँ हवाई सेवा ही नहीं है, जबकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे यहाँ राजस्थान के कई जिलों में हवाई सेवा है, और फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक उसको भी एक सर्विस बान के लगा सोचना चाहिए कि मैं कैसे चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये और भी लोगों को ये बयान, एक और भी लोगों को ये बयान याद आता है, बिरला साहब ने ऐसा कहा था? नहीं कहा था, कहा था
हाँ जी उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर मैं 5 साल में एयरपोर्ट नहीं बना पाया, हवाई जहाज नहीं उड़ा पाया तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। कब की बात है सर ये? 5 साल पहले जब मोदी जी आए थे स्टेडियम में भाषण हुए थे उनके, इसी स्टेडियम में रात को 8 बजे बगल वाला स्टेडियम। हाँ जो बिल्ला साहब को बहुत पसंद है, घूमने आते हैं। समस्या है यहाँ की ट्रैफिक, एरोड्राम का जो चौराया बनना चाहिए था फ्लाईओवर, आज तक उन्होंने बिरला जी ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। यहाँ पार्किंग की इतनी समस्या है कोटा में, ट्रैफिक की इतनी समस्या है, तो वो बनना चाहिए जो ऐसे काम करते हैं जिनकी जरूरत नहीं है पब्लिक को, मतलब जो जरूरत वाले काम है मेन। आप लोकल उसमें पूछे ना, कोटा पे नेशनल लेवल की मैं बात नहीं करता, कोटा की बात करता हूँ। कोटा में आज सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की और पार्किंग की। आए दिन झगड़े होते हैं लोगों के, कहीं गाड़ी पार्क कर दो, ट्रैफिक में गाड़ियाँ टकरा जाती है, आप शोरूम से नई गाड़ी निकाल के लाओ 3 दिन में डेंट हो जाएगा उस गाड़ी में। तो उसके लिए जो फ्लाईओवर चाहिए वो नहीं बना पाए। और हाँ जी सर, आप भी बताइए, आपका माइक आया ही नहीं वहाँ तक। नाम क्या सर अपना? कपिल शर्मा नाम है मेरा। क्या करते हैं सर? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा। ट्रैफिक की समस्या कोटा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा। आए दिन वायलेंस होते हैं, आप कोटा की बात कर रहे हैं? आए दिन लोग मरते हैं पूरे हिंदुस्तान में। यार इंडिया मैं भारत की बात कर रहा हूँ। एक एक करके ठीक है। रही बात हवाई जहाज की, 12 सीटर चलाया था, उसके भी यात्री नहीं मिल रहे हैं, कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में चल रही है भाई, एयर इंडिया, जेट एयरवेज। अच्छा। ये कर्जा मांग रहे हैं सरकार से, यहाँ नहीं है सवारियाँ, नहीं चलती, सक्सेस नहीं जा रहा। ये अब कंपनी आने को तैयार नहीं है, आप लोग चलने को तैयार नहीं आ रही है, कह रहे हैं कि प्लेन उतरवा दिया, आप लोग बैठते नहीं है। बैठते नहीं है, 12 सीटर खाली जाता है, सवारी नहीं है, प्लेन तो उड़ रहे हैं। ठीक है। स्वच्छता के रूप में कोटा बहुत बढ़िया चल रहा है, और मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से घर घर से कचरा उठाया जा रहा है, घर पे गाड़ी लेने आ रही है कचरा, है ना। और आने वाले टाइम में भी हम तो चाहते हैं देश की सुरक्षा के लिए, नागरिक के सम्मान के लिए और भारत की एकता के लिए मोदी को लाना ही जरूरी है। अच्छी ठीक बात है, हो गए बस। अरे यार और बताओ, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि प्लेन तो आ रहा है, पब्लिक नहीं बैठ रही है, तो अच्छा तो फिर इतने सारे लोग ये शिकायत क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं? मुद्दा बना रखा, चुनावी मुद्दा बनाया है। आप समझदार लोग हैं, कोई भी कंपनी आगे खुद ड्राफ्ट देती है कि हमें यहाँ प्लेन चलाना है, उसको बाद सरकार हवाई अड्डा बना के देती है कि आप अपने प्लेन चलाइए। जब आप यात्री नहीं है, कोई कंपनी आने को तैयार नहीं, कहाँ से चलेगा हवाई अड्डा? अच्छा ये है। हाँ मतलब ये हवाई अड्डा वाला एक इशू है जिसके ऊपर हम लोग चुनावी मुद्दा बनाया गया है। अच्छा ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह आप कह रहे थे, नागरिक का सम्मान, ये चुनावी मुद्दा नहीं है? है ना, सुनो चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है, इसी के बेस पे तो वोट देंगे। तो फिर ये लोग बनाए हैं तो फिर क्या दिक्कत है, इनने अपना चुनावी मुद्दा बना लिया, आपने अपना बना लिया। नहीं हमारा तो सच्चाई पे चल रहा है ना। अच्छा ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं ऐसा हो रहा है। अच्छा सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, पाकिस्तान ने हमला किया उसका बदला लिया गया, क्या आर्मी पूरा काम कर रही है? आप तो आपका मैनिफेस्टो देखो, आर्मी के अधिकार छीनने की बात कर रहे हो। अच्छा कैसे, कौन सा अधिकार छीनने की बात हो रही थी सर? बोल रहे ना आसपास हटाएंगे, आर्मी के पूरे अधिकार छीनेंगे तो आर्मी कैसे काम करेगी? अच्छा। वहाँ पत्थर मारे जा रहे हैं। अच्छा गोलियां चल रही है, वहाँ बम फूट रहे हैं। अच्छा भारत के आंतरिक कोई बम फूटा 5 साल में? कोई हादसा हुआ जयपुर बम्बई दिल्ली कहीं बम फूटा? नहीं फूटा। पहले 12 घंटे में 74 बार कहते थे टीवी के अंदर, क्या लेकिन सर जैसे मतलब हम लोग MHA का ही डाटा देख रहे थे, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार का, और उन्होंने ही कई सारे मेजर इंसिडेंट्स उन्होंने गिने हैं, ठीक है, एक नहीं अनेक हैं, और राजनाथ साहब के पास ही है, ठीक है, राजनाथ सिंह के पास में। तो यदि देश में कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई धमाका नहीं हुआ है, तो उनकी रिपोर्ट में क्यों लिखा आता है वैसा? किन की रिपोर्ट में कहा हुआ? जो गृह मंत्रालय की बात है, अरे लगातार छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले नक्सली हमले पहले से होते आए है ना। अरे तो सही बात है, बीजेपी के भी आदमी मारे गए। बिल्कुल सही बात है, वो समस्या को दूर किया जा रहा है और उनको सिकोड़ दिया गया जो पहले बहुत ज्यादा व्यापक रूप में थी, अब छोटी कर दी। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि धमाका नहीं हुआ, तो वैसा मैं कह रहा था कि सर धमाका हुआ तो है। नक्सलाइट एरिया की बात कर रहे हो? नक्सलाइट एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, पर्टिकुलर शहर की बात कर रहा हूँ। जो आदमी शॉपिंग करता हुआ मारा जा रहा है, जो ट्रेन में बैठा हुआ मारा जा रहा है, अच्छा। सवारी गाड़ी में बैठ रहा है, बस में बैठ रहा है, वहाँ धमाका हो रहा है। और जम्मू में तो बहुत जम्मू में तो बस स्टैंड पे कई, अभी कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से निकला था, आतंकवादी जम्मू तक ही सुकड़ के रह गया, जम्मू बॉर्डर है भारत पाकिस्तान। अरे तो जम्मू भी तो भारत ही है, तो भारत में बम फट तो रहा है, घुसपैठ चल रही है, घुसपैठ चल रही है, घुसपैठ। समझ गया, देखिए हुआ क्या, बात यहाँ पे आई कि भाई देश में कोई धमाका नहीं हुआ। मैंने कहा सर जम्मू में हुआ है बस स्टैंड पे 6 महीने में 3 बार से ज्यादा। मेरी बात सुनिए, एक जगह धमाका हो गया इसका मतलब ये नहीं है 100 जगह बच भी रहे हम।
ठीक है, 100 जगह बच भी रहे सरकार की उत्तेजन क्या, एक जगह हो जाता तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि वो एक जगह हो गया, ये कोई अपवाद नहीं है क्या कि एक जगह हो गया तो 100 जगह बच भी रहे, ठीक है, जयपुर बच रहा है, दिल्ली बच रहा है, आपका बेंगलोर बच रहा है, पुणे बच रहा है, पहले हर जगह हुए थे, यहाँ मालेगांव हुआ, सब जगह हुए थे, ठीक है सर, यहाँ तक बॉम्बे भी बच रहा है, हाँ जी बॉम्बे भी बच रहा है, लोकल ट्रेन में पहले सीट से बैठो उसके पहले देख लो कि कुछ है तो नहीं, अच्छा, लावारिस वस्तु है ना छुए वरना बम इसमें बम फट सकता है, अच्छा, इन सब चीजों से तो बच रहे हैं हम, अच्छा, अब नहीं हो रहा मतलब ऐसा बस नहीं हो रहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में होता है तो वो उसके लिए चल रही है कार्रवाई, आपको पता है अभी सेना ने बयान दिया है कि आतंकी मुक्त हो चुका है कश्मीर एरिया, आतंक मुक्त हो चुका है, सारे आतंकी मारे जा चुके हैं, ये सेना का बयान था, जब सेना के कब की बात है सर, अभी 10 दिन पहले की राजनीतिक पार्टी नहीं करी कि सेना ने यूं कहा कि आतंकवाद मुक्त हो गया, कि एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में बचे हैं, बाकी कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, आतंकवादी अब कोई सक्रिय ग्रुप नहीं है वो, अच्छा, जब तो श्रीलंका में बम फोड़ रहे हैं यहाँ क्यों नहीं फोड़ रहे, क्या कह रहे हैं सर, ये आतंकवादी पहले यहाँ फोड़ रहे थे बम, अब यहाँ से इनका दाना पानी खत्म हो गया है, इसलिए अब श्रीलंका में बम फोड़ रहे, उनको कहीं ना कहीं फोड़ना है बम, उनका तो इंटरनेशनल आतंकवादी है ये, तो इनको कहीं ना कहीं फोड़ना है, इनको अपना वो दिखाना है, तो अब श्रीलंका में फोड़ रहे हैं, अब अपने यहाँ नहीं फोड़ रहे, थोड़े दिन बाद पाकिस्तान में फोड़ेंगे और दूसरी जगह फोड़ेंगे, लेकिन इंडिया में नहीं फोड़ेंगे हम ये, तो आपको एक 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 उनको हर तरह से उनको मतलब सहायता मिलती है, उनके ही आदमी है सारे, आप कह रहे हैं कि कश्मीरी सारे आतंकवादी हैं, सारे कहाँ बोला मैंने, उनके लोग आप कह रहे हैं, लोग हैं उनके, सारे नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं उनके, सारे आपने कहा था, मैंने नहीं, मैंने तो है नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग नहीं, सारे नहीं, कुछ लोग हैं उनके जो उनको सहायता कर रहे हैं, बाकी तो बहुत बढ़िया है वहाँ कश्मीरी, बहुत मतलब वो करते हैं सीधे आदमी, लेकिन कुछ लोग हैं आपको लगता है कि वो भारतीय हैं, भारतीय है ना, क्यों नहीं है भारतीय, वो तो भारतीय बिल्कुल भारतीय है, आप यूँ कह रहे थे कि यहाँ नहीं कर पा रहे ब्लास्ट इसलिए वो श्रीलंका में कर रहे हैं, मतलब उस बात का आधार क्या लगता है, जो श्रीलंका में ब्लास्ट हुआ है ना ये भारत में हो जाता, अगर ये इतनी शक्ति नहीं होती और इतनी वो नहीं होती तो भारत में होना चाहिए, लेकिन श्रीलंका में हो गया, उनको करना था कहीं ना कहीं, आरडी इकट्ठा हो गया होगा उनके पास, तो कहीं तो खपा नहीं उनको, तो आपको उस बात का दुख है सर कि वहाँ हुआ, नहीं दुख का ही दुख तो है ना, दुख कहीं भी नहीं, नहीं देखो दुख इस बात का है कि वहाँ हुआ, लेकिन थोड़ी संतुष्टि की यहाँ नहीं हुआ, बस ये है कि होना कहीं नहीं चाहिए वैसे ये, पर ठीक है अपना भारत सुरक्षित है थोड़ा सा इस वक्त, तो इसलिए उन्होंने वहाँ कर दिया ये, क्योंकि मतलब अभी जो एक दो दिन से हम अपडेट्स देख रहे हैं उसमें ये कहा गया कि कोलंबो में जो ब्लास्ट हुए उसकी जिम्मेदारी आईसिस ने ली है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पहले आईसिस हिंदुस्तान में काम कर रहा था और यहाँ से भी भगाया गया, तो आईसिस तो सब जगह काम कर रहा है ना, हिंदुस्तान में भी कर रहा है, सब जगह कर रहा है, तो आतंकवादी तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उनको तो कहीं ना कहीं करना है, भाई कभी अमेरिका में कर देता है कभी कहाँ कर देता है अभी, तो इसलिए उनको तो अपना वो कायम रखना है कि भाई हम हैं अभी, अच्छा, तो ये चार छह चीजें ये आपने बताई कि आपको जो काम ठीक ठाक लगा है ना, कह रहा हूँ 5 साल में मोदी की सरकार आई है, चाहे उसने कितने भी GST लगाए हैं चाहे नोटबंदी की है, थोड़ी बहुत परेशानी हुई है इंसान को, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी नहीं हुई इंसान को, मतलब हमने तो 5 साल बहुत आसानी से निकाले हैं, मतलब कोई परेशानी नहीं हुई है और किसी ने परेशान नहीं किया हमें आके कि भाई दुकान पे आके या कहीं भी आके परेशान किया हो, तो ये बहुत आराम से निकले, मतलब चाहे मोदी ने GST लगाई चाहे सख्ती करी, लेकिन इंसान को परेशान नहीं किया उसने कभी किसी को, तो ये एक बेसिक आइडिया देता है ये डिस्कशन आपको कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे लगातार ये हो रहा है कि एक पक्ष जो लोगों का हमको मिलता है वो स्थानीय मुद्दों की बात करता है जो कि एक तरह की पार्टी लाइन ही है और हो गई है, होना चाहिए, और एक पक्ष हमें ऐसा मिलता है जो बात को सीधे दिल्ली और कश्मीर और सीमा पे और सेना पे ले जाने की कोशिश करता है, वैसा ही माहौल कोटा शहर में भी है। तरुण के साथ कोटा से मैं हूं निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए dillallantop.com। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दिल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।